आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको लगता है किसी भी शेयर में एंट्री करना पड़ रहा है और आप बने रहे, क्योंकि आने वाला टाइम मैं आपको बता रहा हूं सर, अनिल अंबानी का हो सकता है, क्योंकि जिनकी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर, अनिल अंबानी के दो शेयर हैं सर, एक रिलायंस इंफ्रा और दूसरा है रिलायंस पावर। तो सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी हमारे अंदर एक टेंशन भरी चीज़ें होती हैं वो होती हैं सिर्फ पैसों की वजह से। अगर आपके खर्चे ज़्यादा हो गए और आपके अंदर कर्जा ज़्यादा चढ़ गया तो उस कर्जे को उतारने की जो टेंशन आपको दिन रात लगी रहती है उसे कहते हैं एक अच्छे काम का ना होना। जब तक आपके ऊपर किसी भी का भी दबाव रहेगा तब तक आप अच्छा काम नहीं कर सकते। बात को आप एक अच्छी सी सलाह के तौर पर लिख सकते हैं कि सबसे पहले हर काम छोड़कर अपने कर्जों को उतारें अगर आपके पास कोई हो, क्योंकि किसी चीज़ का भी दबाव हमारे ऊपर जब चढ़ जाता है तो हमारे वो कार्य में उसको देखा जाता है और हम जिस रुचि के साथ वो कार्य करते हैं उसे हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम हर समय उसमें खोए रहते हैं कि अब क्या होगा अब क्या होगा। तो इसी तरह से रिलायंस के जो मालिक हैं जिनका नाम है अनिल अंबानी जी, आपको पता ही है सर पहले टॉप में चल रहे दोनों भाई अलग अलग हो गए, तो उसके बाद जब ये अलग हुए तो अनिल अंबानी जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई और वो कर्जे में डूबते गए। लेकिन कहीं ना कहीं उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने उनको बचाने का हर संभव प्रयास किया है, और यहाँ तक के तो उनके अपने गहने और कारें तक भी बिकती जा रही थी। लेकिन जब आपके अंदर एक हौसला उत्पन्न हो जाता है तो उस हौसले को और अच्छा करने के लिए फिर आपको काम करना पड़ता है और गलतियों को देखकर उसको सुधार करना पड़ता है। इस वीडियो की जो मैंने अब बात बताई है वो बैठती है अनिल अंबानी पर बिल्कुल सटीक। तो रिलायंस इंफ्रा में उन्होंने ये काम करके दिखाया है कि इसको बिल्कुल डेट फ्री कंपनी बना देंगे, और उन्होंने इसका प्रण ले लिया है और मार्च 2022 में इसे वो कर भी दिखाएंगे। तो एक जनून के साथ काम हो रहा है सर। अभी जो आपका शेयर प्राइस सर नीचे की तरफ जा रहा है, अगर आपके पास शेयर हैं तो इनकी हिम्मत के तौर पर, इसके काम के तौर पर इस शेयर पर बने रहें, क्योंकि आने वाला टाइम मैं आपको बता रहा हूं सर अनिल अंबानी का हो सकता है, क्योंकि इनकी जो दूसरी कंपनी है रिलायंस पावर उसमें भी अच्छा काम हो रहा है कि कोयले की कितनी शॉर्टेज चल रही है, और उसके बाद इन्होंने अब जो एक निर्णय लिया है सोलर में भी ये उतर रहे हैं और उसमें अच्छा सा एक वर्क करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि इनकी जो आपूर्ति है बिजली की ज़्यादा डिमांडों में बढ़ती जा रही है और उसके बढ़ने से इनके पास अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आते जा रहे हैं सर। दोनों शेयर अच्छे हैं सर, रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर आपको एक चमकता हुआ हीरा दिखाई देगा। लेकिन सलाह वहां तक है कि ज्यादा शेयर आपको कभी नहीं लेने हैं। मेरी बात सुनो सर, आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको लगता है किसी भी शेयर में एंट्री करना पड़ रहा है और आपके पास एक अमाउंट अच्छी है और आपको ये नहीं पता कि ये शेयर कहां से कहां तक जाएगा, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको 1000 शेयर लेने हैं तो सबसे पहले 200 शेयर लीजिए सर। अगर वो शेयर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उसे लेना छोड़ दो। अगर वो शेयर नीचे की तरफ जाता है, 1-2 रुपये नीचे गिरावट हुआ, 200 शेयर और ले लो सर। अगर शेयर वो और नीचे जाता है 300 शेयर और ले। इस तरह से अगर आप अपने 1000 शेयर करेंगे तो आपका जो एवरेज है सही आ जाएगा और आपके पास शेयर भी आ जाएंगे, और जिस दिन वो बढ़ना शुरू करा उस दिन आपको प्रॉफिट आ जाएगा। लिखो इसको भी, हर कोई नहीं बता सकता आपको एक एक बारीकियां, और उस बारीकियों से ही आपको समझना पड़ेगा। जब तक के आप कुछ समझते नहीं सर तब तक के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने अंदर दिल का बोझ हटाइए सर, दुखों का भी बोझ अगर आपके दिल में होता गया जिंदगी सर बर्बाद हो जाती है। मैं आपको बता दूं सर, कभी कभी हमें भी जो पहले टेंशन होती रहती थी, ये हो गया वो हो गया, होना है तो होगा, लेकिन उससे ज़्यादा जो हम टेंशन ले लेते हैं अपने मन में, और वैसा कुछ होता नहीं, और हमने अपना टाइम भी ख़राब कर दिया और अपना सोच सोच के अपने स्वास्थ्य भी ख़राब कर दिया। तो जैसा आप चाहते हैं वैसा कभी हो नहीं सकता, और जैसा हो रहा है उसमें जीना शुरू कर दो। उस चीज़ को आप बदल सकते हो, अच्छा कर सकते हो, अगर आपने मेहनत कर ली है। आपको पैसा कमाना है, पैसे के लिए आप आगे चले गए, तो अगर आपने मेहनत करी है
तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा, सच्चे दिल से मिलेगा, अच्छे तरीके से मिलेगा। और जिस दिन आपको ये फल मिल गया, सीढ़ियाँ चढ़ोगे आप, ज़रूर बता रहा हूँ, सफलता की सीढ़ियाँ आप से ही शुरू होती हैं और आप पर ख़त्म होती हैं। बस वो एक जो डिसाइड होता है कदम बढ़ाने का, वो किस दिन बढ़ा रहे हो आप, ये चीज़ देखा जाता है। तो रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर में अच्छे शेयर हैं सर, गिरावट में इन शेयरों को आप एवरेज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी शेयरों को खरीदने और किसी भी शेयरों को बेचने कि मैं आपको यहाँ एक बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ कि आपको ऐसा करना है। आपको जो भी करना है सर, मैंने आपको बता दिया कि रिलायंस इंफ्रा अच्छी प्रगति की ओर है और रिलायंस पावर भी अच्छी प्रगति की ओर है। जब प्रगति की ओर कोई अच्छा होता है, उसका मैनेजमेंट जब अच्छा होता जाता है, तो उसमें एंट्री करना अपने मनोबल को मजबूत करने से ही बनती है सर। उनका एक वादा जो वो कर्जा मुक्त कर देंगे, वो सबसे अच्छी चीज़ होती है। और वो अपना कुछ ना कुछ चीज़ें बेचते जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं अब आपको सफल बनकर दिखाएंगे चीज़ों को। सर डिलीवरी इतनी उठ गई है, ये इतना हो गया है उसका, ये सर सिर्फ वीडियो तक सीमित है, इससे आप कुछ सीख नहीं रहे हो। इसको तो आप रोज़ देख सकते हो, गूगल खोलो देख लो डिलीवरी कितनी उठ गई है। लेकिन जो एक चीज़ होती है, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और मैं आपको जो कहता हूँ उसको अच्छे से अमल कीजिए। सबसे पहले अपने पे काम कीजिए, उसके बाद शेयरों पे काम कीजिए। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।